hello everyone a very good evening to all of you i am shahid khan and you're watching people's academy so dear students in this particular video we'll try to look at the idea of popular democracy given by jj rosso and we will also look at the political philosophy of jj rosso in general but particularly we'll focus upon this particular idea which is popular democracy so uh, let us uh, understand what this popular democracy idea is but before that you know i'm very much thankful for your feedbacks and comments and just keep spreading and keep sharing this particular channel because most of the people do not know yet that uh, a, a youtube channel named people's academies you know teaching western political thought and political science in general you know in this particular way so uh, keep sharing keep spreading and keep uh, subscribing this channel uh, so let's uh, try to understand uh, this idea of popular democracy given by jj rosso सो बिफोर दैट जे जे रोसो के रिगार्डिंग uh, कुछ यू नो बेसिक जानकारी ही वॉज ए मिड एटीन सेंचुरी फ्रेंच पोलिटिकल फिलासफर ही एडवोकेटेड द आइडिया पॉपुलर डेमोक्रेसी जो हम इसमें समझेंगे एंड इनकी कुछ किताबें हैं इंपॉर्टेंट डिसकोर्सिज ऑन ऑरिजिन एंड इक्वालिटी डिस्कोर्स ऑन पोलिटिकल इकोनॉमी सोशल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ द वन ऑफ द मेजर बुक ऑफ जे जे रोसो एम एल ए द कन्फेशन ओके सो नाउ लेटस अंडरस्टैंड दिस आइडिया जब रोसो आइडिया ऑफ पॉपुलर डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो हमें ये आइडिया पॉपुलर डेमोक्रेसी तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम रोसो का आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझते बिकॉज सोशल यू नो रोसो वाज वन ऑफ़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट सो आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें दो यू नो चीज़ें हैं वन इज़ स्टेट ऑफ नेचर एंड अदर इज़ ह्यूमन नेचर एंड जिस तरह से थॉम्स हॉब्स एंड जॉन लॉक ने आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर एंड ह्यूमन नेचर दिया है उसी तरह से यू नो जे रोसो ने भी अपनी यू नो थॉट के अकॉर्डिंगली स्टेट ऑफ नेचर एंड ह्यूमन नेचर पे अपना ओपिनियन दिया है ठीक है लाइक जॉन लॉक एंड यू नो थॉम्स हॉब्स बिकॉज ये तीन जो हैं दीज आर एक्चुअली द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट वन इज थॉम्स हॉब्स जॉन लॉक एंड द थर्ड इज जे रोसो सो अकॉर्डिंग टू जे जे रोसो ह्यूमन नेचर इज असेंशियली गुड ह्यूमन नेचर रोसो के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा है एंड अकॉर्डिंग टू यू नो रोसो मैन हैज अ फीलिंग ऑफ सेल्फ लव ओके एंड वॉट इज स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू यू नो सोशल कॉन्टेक्ट थेरिस हॉब्स लॉक एंड रूसो स्टेट ऑफ नेचर इज अ सिचुएशन बिफोर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट स्टेट बनने से पहले जो कंडीशन जो सिचुएशन थी दैट इज स्टेट ऑफ नेचर एंड स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन नेचर कैसा था थॉम्स ऑब्स जॉन लॉक एंड जे जे रोसो इस पे डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं ओके सो नाउ लेट इस ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर एंड ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू जे जे रोसो सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू जे जे रोसो मैन इज असेंशली गुड सो ही ही बिलीव्स दैट ह्यूमन नेचर इज नेचुरली गुड एसेंशली गुड ओके Then J.J. Rousseau says that in state of nature, the natural man is a noble savage. Theke? A noble savage means a very simple kind of human being. Theke? In state of nature, man is a noble savage and he lives a life of idyllic blissfulness and simplicity. Theke? There is no selfish interest in state of nature, according to J.J. Rousseau. एंड द यू नो मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर इन जनरली इज़ वेरी सिम्पल इज़ वेरी पीसफुल ठीक है एंड इज़ वेरी लविंग दिस इज़ वट जे जे रूसो ट्राइज टू एक्सप्लेन तो स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू जे जे रूसो एंड मैन इन स्टेट ऑफ नेचर आर इक्वल सेल्फ सफिशेंट एंड कंटेंटेड कंटेंटेड मीन्स दे आर सेटिस्फाइड स्टेट ऑफ नेचर में जो भी चीज़ें हैं लोग उससे सेटिसफाइड थे डिंग टू जे जे रूसो पीपल वे आर सेल्फ सफिशियंट उनके पास वो सारे रिसोर्स थे जो उनको चाहिए दे हैड सफिशेंट रिसोर्स इन स्टेट ऑफ नेचर एंड पीपल वेयर इक्वल ठीक है एवरी वन वॉज इक्वल इन स्टेट ऑफ नेचर सो जनरली स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू थॉम्स ऑफ वॉज गुड एंड सिंपल एंड पीसफुल देन वॉट हैपन फिर क्या हुआ ऐसा कि स्टेट बनाना पड़ गया एक बनाना पड़ गया तो यहाँ पे जे जी, जी रूसो कहते हैं कि जब सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ जब लोगों के पास रीजन डेवलप हो गया जब लोगों ने रीजन डेवलप किया और अब लोग सिविलाइज होके रहने लग गए एंड जब लोग सिविलाइज हो गए सिविलाइजेशन का ओरिजिन हो गया तो अब लोग डिससेटिस्फाइड होने लगे द पीपल स्टार्टड फीलिंग अनहैप्पी क्योंकि डिमांड्स और नीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई ठीक है वो सिंपल लाइफ नहीं रही जो स्टेट ऑफ नेचर में थी वो कंटेंटेड लाइफ नहीं रही जो स्टेट ऑफ नेचर में थी वो सेल्फ सफिशेंट लाइफ अब नहीं है जो स्टेट ऑफ नेचर में थी ठीक है दैट इज वाई नाओ बिकॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन बिकज of the development of rationality now the human is dissatisfied and unhappy theek hai but pehle ye nahi tha with time ye dissatisfaction and unhappiness i kis wajah se jab civilization ka origin hua kyon kyunki man ka reason develop ho gaya theek hai अब यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं. it's a very interesting paragraph man was a noble savage रूसो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में मैन वॉज वेरी सिंपल एंड थिंकिंग मैन इज ए डिप्रेव्ड एनिमल अब यहां पे जे, जे रूसो कहते हैं कि जब तक रीजन डेवलप नहीं हुआ था ह्यूमन में तब तक वो नोबल सेवेज कहते हैं तब तक रूसो से बट फिर बाद में कहते हैं थिंकिंग मैन इज ए डिप्रेव्ड एनिमल डिप्रेव्ड मीन्स मॉरली बैड थिंकिंग मैन मतलब जब उसकी रेशनैलिटी डेवलप हो गई ठीक है मॉरली बैड पर्सन इज पर्सन, ओके सो जे जे रूसो के अकॉर्डिंगली जब तक रीजन डेवलप नहीं हुआ था तब तक जो मैन था जो ह्यूमन था ही वॉज वेरी सिंपल काइंड पीस लविंग बट द टाइम उसकी रेशनैलिटी डेवलप हुई उसमें रीजन डेवलप हुआ अब वो सोच रहा है एंड दैट इज वाई नाउ ही इज गेटिंग मॉरली बैड अब उसकी नीड्स उसकी डिमांड्स बढ़ रही हैं ठीक है दैट इज वाई नाउ ही इज ए डिप्रेव्ड एनिमल वेन मैन वॉज सेवेज अनसिविलाईज ही वॉज गुड रूसो कहते हैं कि जब ह्यूमन जो था वो सेवेज था अनसिविलाईज था रीजन डेवलप नहीं हुआ था ही वॉज गुड एंड ही वॉज हैप्पी बट वेन मैन बिकम सिविलाइज और रैशनल ही रिड्यूस टू द लेवल ऑफ डिप्रेव्ड एनिमल जब उसमें सिविलाइजेशन आ गई जब रैशनैलिटी आ गई अब वो एक मॉरली बैड एनिमल है ठीक है ह्यूमन को भी एनिमल कहा जाता है बट सोशल एनिमल ओके द एनिमल हु इज नेटिफाइड हु इज हैप्पी अब रैशनैलिटी और सिविलाइजेशन के बाद जो ह्यूमन है वो कैसा हो गया ना वो खुश है ना ही वो सेटिस्फाइड है अर्लियर मैन वॉज हैप्पी इन हैप्पीनेस ऑफ अदर्स जो अर्ली पर्सन था जो अर्ली इंडिविजुअल था सिविलाइजेशन और रैशनैलिटी से पहले ही वॉज ए मैन ऑफ हैप्पीनेस एंड ही वॉन्टेड टू सी अदर पीपल हैप्पी बट जब रीजन डेवलप हो गया बट रीजन डेवलप्ड द फीलिंग ऑफ माइन एंड दाइन मेरा एंड तेरा ये जो फीलिंग है ये रीज़न से आ गई ठीक है जब तक रीजन डेवलप नहीं हुआ था माइन एंड दाइन का कॉन्सेप्ट नहीं था दस द मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज एक्चुअली रिड्यूस्ड फ्रीडम एंड हैप्पीनेस फ्रीडम क्या थी फ्रीडम सिंपलिसिटी थी फ्रीडम तब थी जब माइन एंड दाइन का कॉन्सेप्ट नहीं था और माइन एंड दाइन का कॉन्सेप्ट कब नहीं था जब सिविलाइजेशन और रैशनैलिटी नहीं आई थी ओके सो रूसो जो हैं ये रीजन को सही नहीं मानते ठीक है ही डजेंट यू नो यू नो टॉक्स अबाउट रीजन इन अ वेरी यू नो गुड सेंस वो ये कहते हैं कि रीजन से ही सेल्फिशनेस आई रीजन से ही अनहैप्पीनेस आई और रीजन की वजह से ही फ्रीडम रिड्यूस होगी ठीक है ई होप दिस इज क्लियर आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू रूसो देर आर टू ऑप्शन अब जो ह्यूमन है उसके पास दो ऑप्शन है सिविलाइजेशन का ओरिजिन हो चुका है रीजन डेवलप हो चुका है एंड पर्सन अब अनहैपी और डिससेटिस्फाइड है अब उसके पास दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन गो बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर कि अगर उसको ये सिंपल पीस लविंग लाइफ चाहिए तो स्टेट ऑफ नेचर में जाना पड़ेगा विच इज नॉट प्रैक्टिकल सेकेंड इज ट्रांसेंड स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ नेचर से आगे बढ़ जाए ये दूसरा ऑप्शन है एंड आगे बढ़ के क्या करेगा एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्म ए स्टेट और अथॉरिटी ये दूसरा ऑप्शन है एंड दिस साउंड लॉजिकल ठीक है पहला ऑप्शन प्रैक्टिकल है ही नहीं स्टेट ऑफ नेचर में वापस अब नहीं जा सकते ठीक है पॉपुलेशन बहुत सारी बढ़ गई है ह्यूमन नीड्स एंड डिमांड्स बढ़ गई हैं ठीक है लोगों में रीजन आ गया है अब वो स्टेट ऑफ नेचर में नहीं जा सकते इट इज नॉट प्रैक्टिकल सो दे हैव टू ट्रांसेंड द स्टेट ऑफ नेचर विच इज द सेकेंड ऑप्शन स्टेट ऑफ नेचर से आगे एक स्टेप जाना है उनको विच इज अब उनको साइन करना है कॉन्ट्रैक्ट एंड उनको स्टेट और अथॉरिटी बनानी नाउ लेट अस सी कि किस तरह से ये होगा। रूसो कहते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लोग स्टेट बनाएंगे जिसको अथॉरिटी भी कहते हैं कभी कभी हम उसको सॉवरन भी कहते हैं ठीक है अब ये स्टेट जो होगा जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया जाएगा इसका नेचर क्या होगा नेचर ऑफ स्टेट या फिर सोवरन क्या होगा तो यहाँ पे रूसो करते हैं बात जनरल विल की कि ये सोवरन जो है ये जनरल विल का प्रोडक्ट होगा ये जनरल विल के थ्रू बनाया जाएगा अब जनरल विल को समझने के लिए हमने एक्चुअल विल और रियल विल को समझना है रूसो के अकॉर्डिंगली एक्चुअल विल वो है जो एक पर्सन का सेल्फिश साइड है जो सेल्फ इंटरेस्ट वाला साइड है ह्यूमन बीइंग का एंड रियल विल वो है जो कलेक्टिव इंटरेस्ट वाला साइड है यानी कि रियल विल जो है ये वो यू नो करेक्टरिस्टिक है ह्यूमन का जब वो पूरी सोसाइटी के लिए सोच रहा है एंड एक्चुअल विल जो है ये वो करेक्टरिस्टिक है एक इंडिविजुअल का जब वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए सोच रहा है ठीक है ये दो चीज़ें हमें समझनी है अगर हमें रियल विल समझ हमें जनरल विल समझनी है रियल विल एंड एक्चुअल विल को हमें समझना समझ है अगर जनरल विल समझनी है एंड रियल विल क्या है एक सेल्फिश साइड ह्यूमन बींग का

एंड रूसो कहते हैं जो जनरल विल है ये सारी रियल विल्स का सम है ठीक है सो सारे लोगों की सारी रियल विल्स को हम अगर कन्वर्ज करें तो वो जनरल विल है ठीक है सो ये सारे लोगों की सोसाइटी में जितने लोग होंगे ठीक है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और स्टेट अथॉरिटी बनाई है उन सब की रियल विल्स को मिला के जनरल विल बनती है यानी उन सब का गुड साइड उन सब का वो कैरेक्टरिस्टिक जो कॉमन गुड के लिए सोचता है ठीक है उन सब का वो कैरेक्टरिस्टिक जो हायर सेल्फ है ठीक है जो सेल्फिश नहीं है ठीक है ओके सो लेट इज मूव फर्दर रोसो आर्ग्यूड मैं फ्रीडम कंसिस्ट इन ओवरकमिंग हिज एक्चुअल विल एंड फॉलोइंग हिज रियल विल सो मैन जो है एक ह्यूमन जो है वो फ्री कब हो सकता है उसकी फ्रीडम किस चीज़ में है अकॉर्डिंग टू रूसो कि वो अपनी रियल विल को फॉलो करे एंड अपनी एक्चुअल विल को ओवरकम करे ठीक है यानी अपनी एक्चुअल विल पर कंट्रोल पाए और अपनी रियल विल को फॉलो करे क्योंकि रियल विल सबकी मिलेगी तो वो जनरल विल बनेगी क्योंकि ये रियल विल जो है हर एक ह्यूमन की ये क्या है ये कॉमन गुड का सोचती है ठीक है तो मैन की फ्रीडम किसमें है टू फॉलो हिज रियल विल्स आगे बढ़ते हैं एंड जनरल विल को यहां पे थोड़ा सा समझते हैं सो जनरल विल इट इज द सम ऑफ रियल विल्स ऑफ ऑल जनरल विल इज ऑलवेज गुड विल रियल विल इज ऑलवेज राइट ठीक है तो यहां पे बात करते हैं रूसो कि जनरल विल हमेशा गुड है क्यों क्योंकि ये रियल से मिला के बनी है सब लोगों की रियल विल का जो सम है वो जनरल विल है और हर एक की रियल विल जो है दैट इज राइट ठीक है दैट इज दाइर साइड ऑफ ए ह्यूमन ऑल विल कम टूगेदर एंटर इन टू डेलीबरेशन एंड देयर रियल विल्स सारे लोग जो हैं वो अपनी रियल विल्स के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं ठीक है दे डेलीबरेट वो डिस्कशंस करते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि वो अपनी रियल विल्स के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे जो कौन सी विल्स हैं ये वो विल्स हैं जो पॉजिटिव साइड है एक ह्यूमन बींग का ठीक है जो कॉमन गुड के बारे में सोचता है रियल विल्स वो साइड है ह्यूमन बींग आई होप दिस इज क्लियर एंड रियल विल कैन बी कॉल्ड एज विल ऑफ द स्टेट रियल विल जो है वो स्टेट की विल है क्यों क्योंकि यहाँ पे स्टेट जो है आप समझिएगा रूसो के आइडिया कॉन्ट्रेक्ट में स्टेट कोई थर्ड पार्टी नहीं है ठीक है स्टेट कोई थर्ड पार्टी नहीं है लोग ही स्टेट हैं उनकी जेनरल विल ही स्टेट है ठीक है सो जनरल विल कैन बी कॉल्ड एज विल ऑफ द स्टेट I hope this is होप दिस इज मेकिंग सेंस एंड पीपल आर are बिकॉज दे आर they have लॉज दे अब लोग जो हैं वो ही सॉवरन हैं ठीक है थीके? स्टेट भी लोग हैं और सॉवरन जो है वो भी लोग ही हैं क्युं? क्यों क्योंकि लोगों ने जो लॉज बनाए हैं वो उन्होंने खुद बनाए हैं अपने लिए ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल विल के अकॉर्डिंगली क्या हुआ लोगों ने क्या किया जनरल विल ही स्टेट है या आप याद रखेंगे जनरल विल ही जो है जनरल विल ही सॉवरन है और जनरल विल ही लोग हैं ठीक है, है? क्योंकि सबकी रियल विल मिला के जनरल विल बनी है तो स्टेट जो है वो भी लोग ही हैं और सॉवरन जो है वो भी लोग ही हैं और स्टेट खुद के कंट्रोल पाने के लिए खुद ही लॉज बना रहे हैं ठीक है सो दिस इज यू नो दिस इज द आइडिया ऑफ जनरल विल एंड इसके बाद ये कोट आप याद रखेंगे मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री के मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री का मतलब यहाँ पे ये है ये रोसो का एक कोट है कि ये जो अनहेपीनेस डिसन ये जो सिविलाइजेशन और रीजन की वजह से आ गई है इसको अगर हमने दूर करना है तो हमने स्टेट ऑफ यू नो नेचर से निकल के एक यू you नो know, एक सिविल सोसाइटी बनानी है और वो सिविल सोसाइटी किसके बेस्ड पे बनेगी जनरल विल के बेस पे बनेगी एंड जनरल विल क्या है जनरल विल जो है सबकी रियल विल्स का सम है एंड इस जनरल विल के थ्रू हमें फ्रीडम अटेन होगी लेकिन जनरल विल जो है ये हम सब ने खुद बनाई है एंड इसलिए ये सारे लॉज हमारे बनाए हुए हैं ताकि हमारे ही नेचर को ये रेगुलेट करें और कंट्रोल करें ठीक है इसीलिए मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री और ये फोर्स क्या चीजें कर रही है मैन को ये उसकी जनरल विल उसको फोर्स कर रही है कि वही काम करना है जो कलेक्टिव गुड जिससे होगा ठीक है यही जनरल विल एक पर्सन को फोर्स कर रही है कि वो काम नहीं करना है जो सेल्फिश होगा जो सिर्फ सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए होगा ठीक है दैट इज वाई फ्रीडम जो है वो जनरल विल के बनाए हुए लॉज को फॉलो करना है और जनरल विल के बनाए हुए लॉज क्या है आपको फोर्स करेंगे कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो नेगेटिव होगा दैट इज द आइडिया ऑफ मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री और यहां पे फिर से आप इसको पढ़ेंगे पीपल आर सोवरन लोग सोवरन खुद हैं सोवरन कोई थर्ड पार्टी नहीं है क्यों क्योंकि लोग लोगों ने जो लॉज बनाए हैं खुद को गवर्न करने के लिए वो खुद बनाए ठीक है आई होप दिस इज क्लियर और रोसो यहाँ पे बात करते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग होगी वो डेलिब्रेटिव डिसीजन मेकिंग होगी डेलिब्रेटिव डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है डिस्कशंस के थ्रू पॉलिसीज बनाई जाएंगी और डिसीजनस लिए जाएंगे और जो ये डिस्कशन के थ्रू पॉलिसीज बनाई जाती हैं और डिसीजन लिए जाते हैं इसी को नाम दिया उन्होंने पॉपुलर डेमोक्रेसी ठीक है इसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा ठीक है पॉपुलर डेमोक्रेसी में सारे लोग मिल के करेंगे डिस्कशंस करेंगे एंड वो डिसीजंस लेंगे पॉलिसीज बनाएंगे ठीक है देर इज नो रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए पॉपुलर डेमोक्रेसी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की ही शक्ल है जो हमें रूसो बताने की कोशिश कर रहे हैं एंड एक और चीज़ इसमें है कि पॉपुलर डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन कम होनी ज़रूरी है क्योंकि 140 करोड़ इंडिया में जो है ये पॉपुलर डेमोक्रेसी बहुत मुश्किल है इसमें यहाँ पे सारे लोग यू नो डेलीब्रेशन करके डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते सो अकॉर्डिंग टू रूसो पॉपुलर डेमोक्रेसी जो है ये एक ऐसे फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है एंड एट द सेम टाइम इसमें पॉपुलेशन कम चाहिए क्यों क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग जो होगी वो डिस्कशंस के थ्रू होगी और डिस्कशंस 140 करोड़ जो इंडिया है जैसे यहाँ पे पॉसिबल्स नहीं है ठीक है एंड रूसो के अकॉर्डिंगली जो पॉपुलर डेमोक्रेसी है इसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होगा ठीक है पॉपुलर डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन कम होगी डेलिब्रेशन से डिसीजन लिए जाएंगे पॉलिसीज बनाई जाएंगी एंड ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी एंड इसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा दिस इज द आइडिया ऑफ जनरल विल दिस इज़ द आइडिया ऑफ पॉपुलर डेमोक्रेसी एंड द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाई जे जे रूसो इन जनरल आई होप दिस इज़ क्लियर आपके याद रखेंगे जनरल विल में आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे जनरल विल वो सारी रियल विल्स जो हैं उनका एक सम है यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये ये यू नो सोसाइटी में यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको फाइनली लास्ट टाइम समझ लेंगे कि ये लोग हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इन सब का पॉजिटिव साइड ठीक है इन टेन के टेन का पॉजिटिव साइड जो होगा वो रियलवी लोगी ठीक है यानी कि वो साइड जो इन दस के दस के लिए सोच रहा है फॉर एग्जाम्पल ये हर एक पर्सन बाकी नौ के लिए भी सोच रहा है और अपने लिए भी सोच रहा है ठीक है हर एक पर्सन बाकी नाइन पर्सन के लिए भी सोच रहा है और अपने लिए भी सोच रहा है सो so, ये इसकी रियल विल है ठीक है क्योंकि वो कॉमन कलेक्टिव गुड के लिए सोच रहा है ठीक है कॉमन गुड कलेक्टिव गुड एंड यही रियल विल है और ये सारे लोग जब एक दूसरे के लिए एक दूसरे के कॉमन गुड के लिए सोचेंगे तो ये सारे लोगों का एक दूसरे के कॉमन गुड के लिए सोचना ही जनरल विल है ठीक है क्योंकि ये उनके पॉजिटिव साइड्स उनकी रियल विल्स का सम है ठीक है और जनरल विल ही सोवरन है क्योंकि सोवरन कोई थर्ड पार्टी नहीं है रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ठीक है और स्टेट जो है वो भी जनरल विल ही है जनरल विल इज द विल ऑफ द स्टेट क्योंकि अलग से इन्होंने कोई सोवरन, अलग से इन्होंने कोई स्टेट नहीं बनाया ये खुद लोग हैं जो डिसीजंस लेते हैं डिस्कशंस के थ्रू ठीक है और ये डिसीजन डिस्कशंस के थ्रू लेना यही डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी है यही पॉपुलर सॉरी यही पॉपुलर डेमोक्रेसी है जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक पार्ट है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस वाज द आइडिया ऑफ यू नो पॉपुलर डेमोक्रेसी बाय जे जे रूसो एंड द आइडिया ऑफ यू नो सोशल कॉन्ट्रैक्ट गिवन बाय जे जे रूसो आई होप दिस इज़ क्लियर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स सो यू नो आई ट्राइड आई ट्राइड वेरी हार्ड कि आपके बहुत सारे टॉपिक्स में वो कम्प्लीट हो पाएँ एंड वी हैव कम्प्लीटेड लॉर्ड ऑफ सिलेबस सो रेस्ट यू नो बेस्ट ऑफ लक एंड जस्ट राइट योर एग्जाम पीसफुली एंड विद कॉन्फिडेंस दैट्स ऑल थैंक यू सो मच